500 रुपये आपको पता है ये रोज के 500 रुपये देने? रोज के 500 रुपये हाँ दे देंगे, मसला नहीं है, मगर शादी नहीं करवाएंगे। डेली ये तो पहले थे, फिर तो करवानी पड़ेगी। हाँ फिर तो करवानी है, जान छुटेगी। हाँ करवा देंगे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है यार। मैं तो अपने माँ बाप के पीछे पढ़ पढ़ के थक गया, लेकिन अब भी मसला यही है कि जितना जुर्माना ये तो ना होने के बराबर। कितने साल के हो? 18। तो तुम्हारे इस वालदेन पे तो जुर्माना अब आयद किया जाएगा, और तुम्हें पता है जुर्माना कितना है? कितना है? 500 करोड़। पढ़ दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। सिंध में 18 साल के नौजवान बालिकों की शादी लाजमी कराई जाए, वरना माँ बाप पर जुर्माना आयद किया जाएगा। एमएमए के रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद ने मसूदा कानून असेंबली सेक्रेटरीट में जमा करा दिया। अब आप अपनी राय से हमें आगाह करें कि इस इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं। अगर आपकी नज़र में ये इकदाम बिल्कुल सही हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप इससे मुतल्लिक कुछ आगाह करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कर सकते हैं। चले आइए जानते हैं लोगों से कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। सिंध असेंबली में नौजवानों की लाजमी शादी कराने का एक बिल पेश किया गया है, और अगर वो नहीं होता तो माँ बाप पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस नज़र को आप? जुर्माना भी इतना सारा रखा है इन्होंने, 500 रुपये। 500 रुपये में तो पता नहीं क्या हो जाएगा इनका। माँ बाप बोलेंगे 500 दे देंगे, शादी बाद में करा। मेरे अम्मी अबू तो ऐसे हैं, अगर शादी करवानी हो ना, शादी तो नहीं करवाएंगे मगर 500 रुपये दे देंगे। तो ऐसे हालात हैं। उम्र 18 साल हो या 19 साल हो तो शादी कर रहा है, शादी करिए पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तब पहला बंदा अपने पैरों पर खड़ा होगा फिर तब शादी उसको करना चाहिए। मेरे वालदेन जुर्माना भर देंगे। तो हम इस इकदाम के तो हामी नहीं है, क्योंकि 18 साल क्या होती है, इंसान अपना फ्यूचर पहले वो करता है, रोशन ब्राइट करेगा फ्यूचर के मैं कुछ बन जाऊँ उसके बाद। ये सिंध असेंबली वाले अगर ये बिल पास करना चाहते हैं तो ये सही नहीं है। नहीं, पहले तो जुर्माना देंगे क्योंकि जब तक कमाएगा नहीं। अच्छी बात है ना, यंग एज में शादी करेंगे तो अच्छा है ना। अच्छा है हमारे लिए, अच्छा है सिंगल्स के लिए, अच्छा है यार। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है यार। मैं तो अपने माँ बाप के पीछे पढ़ पढ़ के थक गया, लेकिन अब भी मसला यही है कि जितना जुर्माना है ये तो ना होने के बराबर। शायद अगर आपकी नज़र में ना आई हो तो मैं बता दूँ, जो जुर्माना है 500 रुपये का, ये वेट के हिसाब से, जिसका वेट ज़्यादा है उसका जुर्माना भी ज़्यादा है। अच्छा, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे पेरेंट्स तो फिर करा ही देंगे यार चार। और अगर 500 ये रोज़ के हैं फिर क्या होगा? फिर भी दे देंगे। 18 साल तो लोग कुआर होते हैं खाली। 18 साल तो 18 साल में होती है। तो कितने साल के हो? 18। तो तुम्हारे इस वालदेन पर तो जुर्माना अब आयद किया जाएगा, और तुम्हें पता है जुर्माना कितना है? कितना है? 500 करोड़। बढ़ देंगे। 500 रुपये आपको पता है ये रोज़ के 500 रुपये देने? रोज के 500 रुपये हाँ दे देंगे, मसला नहीं है, मगर शादी नहीं करवाएंगे। और अगर ये जुर्माना डेली बेसिस पे हो तो? डेली ये तो पहले थे, फिर तो करवानी पड़ेगी। हाँ फिर तो करवानी है, जान छुटेगी। हाँ करवा देंगे। इस फैसले को किसने देखते हैं, ये बिल पास होगा या नहीं? बिल पास हो भी गया तो इस पे अमल दरामद में नहीं देख रहा। और अगर इसमें बरकत हो गई, 500 से 1000, 1500, 2000 लिया जाए फिर? फिर सोच सकते हैं, क्या पता हो जाए। आपको नहीं लगता, जैसे हमारे इस्लाम ने भी कहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा है कि अगर तुम अपने रिस्क में बरकत चाहते हो तो निकाह करो? वो इसलिए कहा है, वो दौर कुछ और था और अब का वक्त कुछ और है। उस वक्त ये नहीं होता था कि लड़का ने मैट्रिक किया है या नहीं किया, उसकी शादी हो गई। वो पहले फैमिली का एक बंदा कमाता था, 10 खाते थे, और आजकल 10 कमाएंगे तो फिर भी पूरा नहीं पड़ता।